मैं अब ये कहता हूँ कि रणमुरीदी, बल्कि रणमुरीदी का लफ्ज़ ही बड़ा गंदा है, इसमें कहना नहीं चाहता। जब लिमिट्स हम क्रॉस कर देते हैं ना, फिर हालात ख़राब हो जाते हैं। जो सबसे मेन इशू था वो ये था कि पाँव धोकर जो पीता था ना पानी में, वो मुझे रोका करती थी ये काम अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दें आप। लेकिन मैं ढीठ था, लग रहा कि आपको फैमिली वालों ने निकाल के, यार ये क्या काम शुरू कर लिया आपने, बड़ी 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 गाल पड़ी। ये मैं, मेरी गलती थी, मैं करता था बस, अब तुम वापस आ जाओ बस। बर्तन मैं धोता था, कपड़े मैं धोता था, टाकियां मैं मारता था। जी नाज़रीन, यहाँ पे राणा साहब को फोन आ गया, उनकी बेगम का। राणा साहब बात करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैपिटल टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मेहरान नासिर। नाज़रीन, आज मेरे साथ पाकिस्तान के सबसे बड़े रणमुरीद मौजूद हैं। पिछले दिनों इनकी कुछ वीडियोस वायरल होती हैं, जिनमें ये कभी बीवी के पाँव धो के पी रहे हैं, तो कभी बर्तन धो रहे हैं, और कभी कपड़े इस्त्री कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी सामने आती है कि पिछले दिनों इनके सर पर पट्टी थी, इन्हें चोट आई थी, तो सुनने में ये आया है कि इन्हें इनकी बीवी ने मारा है और वो इन्हें छोड़कर चली गई है। राणा साहब बड़े खुश दिखाई दे रहे हैं, खैर तो है, बड़े कोई वापसी के आसार तो नहीं? फ़ोन आ गया, क्या बात है, खैरियत तो है? नहीं, आसार तो नज़र आ गए हैं, क्योंकि आसार इसलिए नज़र आ गए हैं, पहले मैं ब्लॉक हो चुका था, अब भी अनब्लॉक हूँ, और सबसे बड़ी बात है मुझे कॉल आई, चाहे वो 1.5 महीने के बाद आई है, वो आई है, क्योंकि जिसको तो यहाँ से गई है, आपने मुझे मुख्तलिफ चैनल्स में देखा होगा, बहुत रोया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा रोया हूँ मैं। तो मेरा रबता तो हो नहीं पा रहा था, तो मैं जो मेरे जो हैं ससुर हैं, मेरी सास हैं, मैं उनको फ़ोन करता था, तो मैं कहता था मेरी बात करवा दें, वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो बात नहीं करती थी, वो कहती जितनी देर रणमुरीदी नहीं छोड़ेगा और पाँव धोकर जो है पानी पीता ना, ये ख़त्म नहीं करेगा, मैंने वापस नहीं जाना। अच्छा, अब जब उन्होंने कहा जी कि रणमुरीदी छोड़ेगा तो फिर मैं वापस आऊँगी, तो आप तो रणमुरीदी बहुत ज़्यादा करते थे, क्या अब छोड़ने वाली बात है, आप रणमुरीदी छोड़े हैं कि अभी भी करनी है? ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है कि मैं अपनी बीवी को हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ, वो मतलब इसे ये काम अच्छा नहीं लगता, और मैं वाकई कहता हूँ ये इससे घटिया काम कोई नहीं है, ये मैंने आप बहुत बड़ी बात करें, इससे घटिया काम कोई नहीं है। आप रणमुरीदी आप नहीं छोड़ते थे, इतने आप कहते हैं कि मैं ढीठ था, वो मुझे कहती थी मैं छोड़ के चले जाऊंगी, लेकिन आप छोड़ते नहीं थे रणमुरीदी, और अब आप कह रहे हैं इससे घटिया काम कोई नहीं। इससे मैं अब ये कहता हूँ कि रणमुरीदी, बल्कि रणमुरीदी का लफ्ज़ ही बड़ा गंदा है, इसमें इसको कहना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ एक अंडरस्टैंडिंग आपकी ऐसी होनी चाहिए, एक लिमिट में रह के, जब लिमिट्स हम क्रॉस कर देते हैं ना, फिर हालात ख़राब हो जाते हैं। मैं लिमिट्स क्रॉस कर गया था, अब मुझे अंदाज़ा होता है, और जहाँ तक पाँव धोने वाली बात है, वो तो घटिया तरीन काम मैं करता था। मैं ये समझता था कि शायद मुझे कोई उससे ज़हनी सुकून मिलता या मेरी बीमारियाँ ख़त्म करती है, ये हाँ भाई ये था, लेकिन वो मेरा ख्याल है मुझे रिएक्शन कर गया, मेरे घर वाले मुझे रोकते थे कि इन कामों में लग गया। आपके सर पर लैंप मारा गया है, और फिर आपको ये कहा गया, क्या लैंप मारने के बाद भी रणमुरीदी जो है वो चलती है, उसके बाद ये सब जायजा रणमुरीदी में? असल में जो हमारा मसला बना था ना, वो कोई इतना इशू नहीं था बड़ा, मतलब ऐसे एकदम बैठे हुए थे, तो अचानक उनके पेरेंट्स का फ़ोन आता है, तो वो कहती कि उसने मुझे कहा है कि मेरे घर वालों का फ़ोन आया और मैं जा रही हूँ, तो मैंने सिर्फ रोका था, मैंने कहा यार तुम ना जाओ, मैं कहा तुम्हारे बगैर मैं रह नहीं सकता, तुम्हें पता मैंने सुबह उठना, तुम्हें मैंने देखना होता है, मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, जितना मैं करता हूँ इतना दुनिया में कोई भी नहीं करता होगा, लेकिन वो बस वहाँ से थोड़ा सा उससे फिर ये हुआ कि मुझे तुम क्या कैसे बुलाया, उसने मुझे थोड़ा जोड़ा, एक लैंप पड़ा था, लैंप पर पकड़ के मेरे सर पर मारा। असल में जो लैंप मारने की मेन वजह ये नहीं थी, वजह कुछ और थी, वजह ये थी कि वो मुझे काफ़ी अरसे से ये कहती थी कि रणमुरीदी छोड़ दूँ, और जो सबसे मेन इशू था वो ये था कि पाँव धोकर जो पीता था ना पानी में, वो मुझे रोका करती थी ये काम अच्छा नहीं है, इसको छोड़ दें आप। लेकिन मैं ढीठ था, लग रहा, लेकिन वो असल में उसके कहीं हालात बन नहीं रहे थे, तो यहाँ मौका मिल गया, तो वो फिर लैंप जो मारा मेरे सर पे, फिर वो जो गुस्सा था वो ये निकला है। अच्छा राणा साहब, रणमुरीदी चले आपने शुरू कर ली, जब आपने शुरू की आपको फैमिली वालों ने निकाल के, यार ये क्या काम शुरू कर लिया आपने, लोगों ने आपको, सोसाइटी ने क्या परेशान नहीं किया, मुआशे ने? ओए होए होए होए, बड़ी 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 गाल पड़ी। बड़ी बड़ी गालियाँ पड़ियाँ, लेकिन उसको देख पता नहीं कैसा भूत सवार हुआ था, तो बस ये मुझे सबक मिलना था ये वाला, तो फिर ही मैंने सीधा होना था, और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीधा हो गया हूँ, मेरी बीवी जिस तरह कहेगी मैं उस तरह चलूँगा,
बस अब मैंने उसको है कि मैंने यहाँ भी कहता हूँ कि वापस आ जाओ बस तुम जल्दी से। तो सारे मामला इंशाल्लाह ताला बड़े अच्छे तरीके से हम लेके चलेंगे, एक जिस तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजारी जाती है उस तरह गुजारेंगे हम। और जहाँ पाँव धोकर जो पीने वाला काम था, ये मैं दोबारा अल्फाज इस्तेमाल भी नहीं करना चाहता, इससे घटिया कुत्ता काम कोई नहीं है, ये मैं मेरी गलती थी मैं करता था, बस अब तुम वापस आ जाओ बस। तो फिर भाभी, अब भाभी ने अभी कोई डेट नहीं दी कि मैं कब तक वापस आ रही हूँ, या अभी सिर्फ आसार ही नजर आए? जब आपने रणवीर दीदी छोड़ दी है, वो उन्हें इससे मसला था, आपने खत्म कर दिया, तो अब भाभी क्यों नहीं आ रही? असल में फिल वक्त तो ये आसार है कि कोई मेरा अभी डेट डिसाइड नहीं हुई, क्योंकि प्रॉपर बात नहीं हुई मेरी कि वापस आना कब है। और दूसरा, वो वापस इस एग्रीमेंट पे आ रही है कि आएगी तो स्टाम्प करवाएगी। देखिए, आपकी तबीयत भी ख़राब है भाभी, इनकी तबीयत भी ख़राब है, इन्हें खांसी भी लगी है, नज़ला भी है, ज़ुकाम भी है, आप आ जाएं। अब तो उन्होंने रणवीर दीदी भी छोड़ दिया, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और वो अब आपने अगर स्टाम्प लिखवाना है तो वो स्टाम्प पे भी मान रहे हैं कि वो स्टाम्प भी लिखवा सकते हैं, तो आप उन्हें अब कुछ कहें ना कि मैं लिखवा सकता हूँ स्टाम्प भी? बिल्कुल, मैंने कह दिया है, मैंने कह दिया वापस आ जाओ, स्टाम्प पेपर जिस तरह होगी उस तरह स्टाम्प पर होगा, करेंगे स्टाम्प पेपर ही करेंगे। रणवीर दीदी वैसे छोड़ी जा सकती है, जो आप कहते हैं वो बंदे के खून में नहीं बस जाती रणवीर दीदी, अब आपको लगता है आप छोड़ सकते हैं? मैंने उसको मैंने एक बात समझाई है, घर में मैं बिल्कुल नॉर्मल रहूंगा जिस तरह रहा जाता है, कोई रणवीर दीदी वाली बात नहीं होगी, एक जहां मियां बीवी को जरूरत पड़ती है काम की, मिलके काम करेंगे। और जहां पांव धोकर पीने वाली बात थी, वो तो मैं बस कानों को हाथ लग गई होगी वो काम। बर्तन धोना, कपड़े धोना, कपड़े इस्त्री करना, सफाइयाँ, झाड़ू पोछा, इस पे तो उन्होंने नहीं कुछ कहा कि ये भी करना बड़ा है? गीला इस पे, सबसे ज्यादा गीला इस पे भी बड़ा गीला था, इस पे ये गीला था, वो कहती है मैं अपने माँ बाप के घर से जो सीख के आई हूँ बैठा बैठा के मुझे ये भी बुला दिया, ये ज्यादा परेशानी थी, वाकई ये परेशानी वाली बात भी थी। मैं कभी ये जिसको तो गई है, तो मैंने काफ़ी चैनल्स को मैंने फिर इंटरव्यूज दिए, मैंने इनको यही कहा है कि यार मैंने क्या कुछ नहीं किया इसके लिए, बर्तन मैं धोता था, कपड़े मैं धोता था, टाकियां मैं मारता था, सुबह के नाश्ते मैं बना के देता था, खाने बना के मैं जाया करता था, अब इससे ज़्यादा क्या हो सकता था, लेकिन वो इसके खिलाफ थी। नहीं, अब आप ना कहें, अगर उन्होंने दोबारा सुन लिया तो फिर उन्होंने काम कर, लेकिन रात को पाँव दबा के सोना तो आई थिंक फर्ज बनता है रणवीर दीदी में। नहीं, अब तोबा हो गई, अब तोबा हो गई, अब सिर्फ उससे एग्रीमेंट यही होगा कोई ऐसा काम नहीं होगा जो मतलब जो एक नॉर्मल जिंदगी गुजारते हैं ना मियाँ बीवी, हम उस तरह ही चलेंगे। अब वो पाँव दबाया करेंगी, वो कपड़े धोया करेंगी, वो बर्तन धोया करेंगी, वो कपड़े इसरी, ये अब सारे घर के काम जो हैं वो फिर इसका मतलब भाभी करने लगे, अब आप फिर अब आप ना वो पूरा जो कहते हैं मर्दों वाले जो काम है वो करेंगे। नहीं, मैं मर्दों वाले काम करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बीवी को बिठा लिया, डंडा पकड़ लिया, हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। और ये जिस तरह मेरी जो वाइफ है ना, वो मतलब जिस तरह चाहेगी ना उस हिसाब से चलूंगा। मतलब आप इस तरह करेंगे जी के प्लेट वो धो रही है तो चमचा आप धो देंगे, कपड़े वो धो रही है तो हाँ, मिल के चलेंगे, हाँ, इस तरह से हाँ मिल के चलेंगे, मिल के चलेंगे, तो इस तरह ही है कि जिस तरह वो खुश है ना तो मैं खुश तो हूँ। कभी ऐसे नहीं होगा जी के राणा खुरम साहब जो है वो कमीज इस्त्री कर दें और भाभी कहे जी अब हमने मिलके काम करना है, शलवार में इस्त्री कर, ऐसे तो नहीं, कभी ऐसा नहीं नहीं, होगा? ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। मैंने अब उसे सारी बात, मेरी कुछ थोड़ी बहुत बात हुई है और हमारे मामला काफ़ी क्लियर हो गए हैं, लेकिन वापसी के आने का उसने नहीं बताया, लेकिन मुझे एक उम्मीद की किरण जागी है कि वापस आएगी वो इंशाल्लाह। मैं तो कहता हूँ आप ना ये कर, भाभी इस तरह कर लेते हैं, प्याज ये काट लिया करेंगे, टमाटर आप काट लीजिएगा, हंडिया में एक चम्मच वो चला लेंगे, एक चम्मच इस तरह मिलजुल के फिर काम कर सकते हैं हम। नहीं, मिल के चलेंगे काम चलेगा फिर, लेकिन ये कि वो जो सारे काम मैंने पकड़ लिए हुए थे ना, वो वाले काम जोन से ना वो खत्म हो जाएंगे अब तो, अब इंशाल्लाह अच्छी जिंदगी गुजारेंगे। राणा साहब नौकरी शोकरी भी छोड़ दी के जाना है, नौकरी पे जाते हैं? नहीं, मैं वो तो लाजमी बात है, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना, तो वो इसी वजह से बड़ी परेशान थी मेरी हरकतों की वजह से, पाँव धोकर पानी पी लिया, घर के काम कर लिए, फलानी चीज़ कर लिए, जी हजूर ये वाला काम, ये उसे बुरा लगता था। और राणा साहब कोई बात नहीं है, भाभी आ जाएंगे, तुसी अथरू साफ करो, तुसी रोन डे पे, वो तुर जाएंगे बुढ़िया घर लड़के, तुहानू की हो गया है राणा साहब? बस असल में मैंने 1.5 महीना जिस तरह गुजारा ना मुझे पता, और वैसे अगर गई हो ना फिर नहीं महसूस होता, लड़के गई है वो मेरे लिए बड़ा तकलीफ दे मर रहा था। राणा साहब आप टेंशन नहीं लेनी, कोई बात नहीं है, होता रहता है इस तरह। बस ये जिससे बीतती है उसको पता है, जिस कि मैं जितना खुश हूँ आज, मेरे वो वाले हालात नहीं है
तो आज से कोई 15 दिन पीछे चल जाएँ जो हालात मेरे थे, वो बोले हालात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे एक उसके सिर्फ एक फ़ोन आने के, मतलब बेशक मेरी 30 सेकंड ही बात हुई है, वो 30 सेकंड ने मेरा खून जोन से 10 किलो बढ़ा दिया राणा साहब। अच्छा ये क्या, लो जी नादिन यहाँ पे राणा साहब को फ़ोन आ गया उनकी बेगम का, और हम उनकी बेगम से बात करके उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि राणा साहब कोई बात नहीं है, राणा साहब बात करें। नादिन हमने राणा साहब की बेगम से बात किया लेकिन वो राणा साहब के इसरार पे हम चला नहीं सकते। तो राणा साहब आपकी कहानी हमने जानी है, रणमरी दी आप छोड़ रहे हैं, लेकिन जो नौजवान जो दूसरे रणमरी दी की तरफ आना चाहते हैं उनको तो कोई आप टिप दे सकते ना, क्योंकि आप तो रणमरी दी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। मैं रणमरी दी के बारे में ये कहूँगा कि इससे घटिया काम कोई नहीं है, बचाओ जितना बच सकते हो। मेरी मिसी से ही मेरी ये बात हुई है, मैंने ये कहा है कि मैं घर का माहौल बिल्कुल ख़राब होने नहीं दूंगा, एक नॉर्मल लाइफ से चलती है हमारी उससे चलेगी, जो पाँव धोकर ये वो सोना टिंगना सारे काम ख़त्म। लेकिन अगर बाहर कोई बंदा मुझे मिल जाता, स्टाम्प पेपर तो उसने मेरे से करवाना ही है ना जिस तरह भी है, लेकिन अगर बाहर कोई बंदा मेरे से मिल जाता है मुझे कहता है कि मुझे टिप चाहिए, तो मैं वो दूंगा, अगर किसी का भला हो सके तो वो मैं लाजमी उसको दूंगा, उस काम से मुझे नहीं रोकना, वो इस चीज़ पर राजी हो गई है। कभी बाहर जो मर्जी करें आप, घर ये काम नहीं होना चाहिए। चले जी ठीक हो गया जी, नादिन रणमरीत साहब की बेगम के साथ उनकी डील फाइनल होगी, एफिडेविट साइन हो जाएगा, लेकिन बाहर रणमरीत साहब को कोई नहीं रोकेगा कि वो जो करना चाहते हैं करें। अपने मेज़बान मेहरान नासिर को दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।